आइए जानते हैं आर्किमिडीज के ब्रेन चाइल्ड लिवर ने गियर्स का रूप कैसे धारण किया। सबसे पहले एक लिवर को लीजिए, फिर उसके आकार में थोड़ा बदलाव कीजिए। अब इसके जैसे दो लिवर्स को एक साथ रखिए। इस अरेंजमेंट को चलाने पर हमने पाया कि छोटे हाथ यानी स्मॉल आर्म के द्वारा एक चौथाई दूरी तय कराकर हम 4 गुना बल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह तो गियर सिस्टम नहीं है। कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं। अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे हाथों को इस व्हील पर कनेक्ट करें तो हमें निरंतर गति प्राप्त होगी, यानी कंटिन्यूस मोशन मिलेगा। और यह रहा हमारा पहला गियर मॉडल जो लिवर की सहायता से बना है। जल्दी ही हमें यह पता लग गया कि बड़ा कम चक्कर लगाकर छोटे व्हील के मुकाबले ज्यादा ताकत उत्पन्न कर सकता है, और इसे आप कभी ना खत्म होने वाली लिवर की एक श्रृंखला भी कह सकते हैं। वैसे गियर नाम ज्यादा ठीक है। अब इसके दांतों को छोटा करके हाथ से घुमाने के लिए एक अटैचमेंट लगा देते हैं। लेकिन घर्षण का क्या, यानी फ्रिक्शन को कैसे कम करें? बस इतनी समस्या, लो अभी कम कर देते हैं। कोनों को घिसिए और दांतों के आकार में ले आइए। हो गया अब आपका फ्रिक्शन पहले से कम। और अब आपके लिए एक मजेदार सवाल, बड़े गियर की सहायता से छोटे गियर को घुमाने पर रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? सहायता के लिए आप अपने घर में रखी हुई साइकिल को देख सकते हैं।